First of all, congratulations for your web series Hostages, and this Thank is you. doing pretty good. Tell us something about your character first. What sort of character you are playing in? So, अपने कैरेक्टर के बारे में बात करूँ तो मैं प्रिंस का रोल मैंने हॉस्टेज में किया है. एंड प्रिंस दो चीज़ों का बहुत पक्का है, एक टाइम और एक पैसा, और थोड़ा सा खड़ दिमागी है, जिसको बोल सकते हैं कि वो सोचता नहीं है मारने से पहले. तो वही उतनी मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, और बाकी जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ गो एंड वॉच इट. तो यप कल आपके लुक को लेके आपने काफ़ी प्रिपरेशन की है खास तौर पे, तो वो प्रिपरेशन किस तरीके का रहा? विच वाज इट इंस्पायर्ड फ्रॉम, कुछ डायरेक्टर से इंस्पिरेशन मिली, या व्हाट वाज दैट थॉट प्रोसेस ऑल अबाउट? राइट. सो क्या होता है कि सबके अपने अपने एक्टर्स होते हैं जिनको फॉलो करते हैं. तो आई फॉलो डेनियल डे लुइस, इज अ लेजेंडरी एक्टर हॉलीवुड के. तो उनका जितना भी मैंने रिसर्च किया था इस कैरेक्टर को करने से पहले, तो काफ़ी सारा मैंने उनके बारे में पढ़ा कि वो किस तरह से एक कैरेक्टर में आते हैं. क्योंकि आप अगर उनकी फिल्म्स देखेंगे तो हर एक फिल्म में उनका डिफरेंट एक कैरेक्टर दिखता है आपको. तो मैंने यही सोचा था कि ओके ठीक है, अगर करना है ये रोल तो इसको जस्टिस देना चाहिए. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले सभी को मैं बोलता हूँ कि आप कोई भी पार्ट करो तो उसको जस्टिस दो, जिसको हम बोले कि पूरी 100-200% लगा दो ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे. तो सबसे पहले 10th अप्रैल, मेरे को डेट्स थोड़ी याद रहती, नाम याद नहीं रहते. तो 10th अप्रैल को हम मिले थे पिछले साल महबूब स्टूडियो में सुधीर सर के साथ. मुझे थोड़ा आइडिया था कि मुझे ये लुक रखना है, बट था कि हाँ मैं अभी तक सुधीर सर से नहीं मिला हूँ, तो एक बार मैं मिल लूँगा उनसे, डिस्कस करूँगा, तो और मुझे थोड़ा विजन मिलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है. तो मैं उनसे मिला, उन्होंने उनसे बात हुई ये वो सब चीज़ें. तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, काम कर, अभी अपना दाढ़ी उगाना शुरू कर दे, चेस्ट के बाल उगाना शुरू कर दे, लाइक अ चिंपैंजी, यू नो, जस्ट बिकम अ चिंपैंजी राइट नाउ. वो जैसे चलता है चिंपैंजी, जैसे चलता है सब कुछ हिला देता है ना, जस्ट बिकम अ चिंपैंजी. आई इज लाइक ठीक है ओके, तो वही करता हूँ. तो मैंने दाढ़ी उगाया. एंड देन क्या था कि 10th को हम फर्स्ट टाइम मिले थे, 7 मई से पिछले साल 2018 में हमारा शूट स्टार्ट हो जाना था. तो मेरे पास गिने चुने बड़ी मुश्किल से 20 दिन थे कि जिस पर मैं काम कर सकता था. तो सबसे पहले मेरा लुक सॉर्टेड हो गया कि हाँ ठीक है, मुझे अभी इस पर वर्कआउट नहीं करना है. डायरेक्टर ने बोल दिया है कि दाढ़ी उगानी है, बाल उगाने हैं, ओके लेट्स गो फॉर इट. हाँ, एंड देन आई गॉट पेस्ट ऑल्सो, मैंने बाली, कानों में बालियाँ डाली थी बड़ी बड़ी. तो उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई बैक स्टोरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक कैरेक्टर के लिए, कि वो कहाँ से आया है, क्यों आया है, क्या करने जाएगा, क्या, ये सब चीज़ें लिखना बहुत जरूरी है. सुदीप जी की तरफ से क्या ब्रीफ था, किसे दाढ़ी उगाना कि किस तरीके का कैरेक्टर था वो? वो भी था, लेकिन वो हमारा जो फर्स्ट मीटिंग था सुधीर सर के साथ, वो बेसिकली लुक टेस्ट के ऊपर हम काम कर रहे थे कि किस तरह के कॉस्ट्यूम पहनेंगे, क्या होंगे. एंड एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि जो इस शो में मैंने कॉस्ट्यूम डाला है, वो मेरी अपनी तरफ से एक सजेशन दी गई है कि ये इस तरह का दिखना चाहिए. तो जो भी मेरे पास कपड़े थे, डेनिम जैकेट, एक रेड कलर का कुर्ता, नॉर्मल डेनिम्स, तो मैं क्लिक करके, बूट्स, ये सब क्लिक करके मैं सुधीर सर को भेजता रहता था. तो सुधीर सर का ये था कि अभी के लिए इतना ही है. एंड देन 2-3 दिन बाद हमारी वर्कशॉप वैसे भी स्टार्ट होने वाली थी, तो हमने ऑलमोस्ट 15 दिन वर्कशॉप किया है सुधीर सर के साथ. तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सुधीर सर के साथ हमारा वर्कशॉप करने का. तो जिसमें कि उनका एक वे है जो कि मुझे बहुत पसंद आया एज एन एक्टर, कि वो स्पॉन्टेनियस, बेसिकली स्पॉन्टेनिटी एंड इंस्टिंक्ट के ऊपर काम करते हैं. वो ये नहीं है कि कोई चीज़ प्लान कर लेंगे कि ये सीन हम इसी तरह से करेंगे. तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए आई थिंक, और बहुत अच्छा बात होती है जब एक डायरेक्टर भी फ्लेक्सिबल होता है कि हाँ हम सीन को इस तरह से भी लेके जा सकते हैं. तो सुधीर सर का ऐसा था कि हम आते थे एंड ही इज़ लाइक ओके स्टार्ट रीडिंग योर लाइंस. तो हम फर्स्ट एपिसोड से शुरू करते थे, सभी एक्टर्स मौजूद होते थे, तो फर्स्ट एपिसोड से हम शुरू करते थे एंड पढ़ना पढ़ना पढ़ना, एवरी डे वी आर डूइंग दिस ओनली, मतलब 7 दिन निकल गए थे. तो उस एक टाइम पे आके समझ आया कि यार ये डेली डेली लाइंस पढ़ रहे हैं. बट कुछ टाइम के बाद समझ आया कि लाइंस पढ़ने से आपको पता चलता है कि सब टेक्स्ट क्या है. तो सब टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीन के लिए, कि सिचुएशन क्या है बेसिकली. लाइंस तो हम बोल देंगे कि हाँ मैं तेरा भाई हूँ, तू मेरा भाई है, दैट्स इट, बट वो किस वे में बोला जाएगा, क्योंकि कई सारे तरीके होते हैं. तो इवन मनोज वाजपेयी सर ने भी, मैंने उनकी कुछ वर्कशॉप की हैं, तो उन्होंने भी बोला था कि जो एक लाइन एक एक्टर की और जो उससे अगले एक्टर की, डिपेंड करता है कि ये वाला एक्टर
कैसा बोलेगा वो उसकी लाइन पे डिपेंड करता है। तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं जब आपको सब टेक्स्ट समझ आना आने लगता है कि हाँ सीन में ये हो रहा है, इस तरह की इंटेंसिटी चाहिए आपको, इस तरह का इमोशन चाहिए, इतनी आपको ग्रेविटी रखनी पड़ेगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को सुधीर सर से समझ आई एंड हेल्पफुल रही। You have done films before and now back to web series. Do you feel कि एक बहुत अच्छा step है to be part of hosting? Yeah, obviously for me it's the biggest project I have ever done in my career and अभी मेरे को 5 साल हुए हैं बॉम्बे आए हुए, तो मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ एंड मेरा यही है कि जितना ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस होगा उतना इजी गोइंग एंड फ्लॉलेस मैं एक्टिंग कर पाऊँगा। तो हॉस्टेज ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा स्टेप रहा मेरे लिए। इवन हॉस्टेज के दौरान एक फिल्म थी जिसकी जिसकी डेट्स क्लैश हो रही थी तो मुझे वो फिल्म छोड़ने पड़ी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कौन सी फिल्म थी, बट अच्छा हुआ वो फिल्म छोड़ दिया मैंने। तो एंड मैंने हॉस्टेजेस किया तो लोग पसंद कर रहे हैं मेरी परफॉर्मेंस। अब इससे ज़्यादा और एक एक्टर को क्या चाहिए। सो दिलीप, आई स्टार्ट विद दिलीप सर, उनके साथ काम करने का मेरा ऐसा कुछ सीन नहीं है उनके साथ, बट देन आई नो ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर एंड बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं, उनको देख के हम बड़े हुए हैं। तो उनके साथ ज़्यादा शेयर नहीं कर पाए हम बातचीत, ना फिल्म्स के बारे में ना अपने एक्सपीरियंस के बारे में, बट या रौनक सर के साथ तो काफ़ी सारी बातचीत हुई। एंड सेट पे जाने से पहले मतलब अभी तक उनको मैंने बताया नहीं कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बट हाँ उनकी एक्टिंग का मतलब काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ मैं। और जब मैं बोर्डिंग स्कूल में था तो मैंने उड़ान देखी थी उनकी एक फिल्म, तो उसने काफ़ी इम्पेक्ट छोड़ा था मेरी लाइफ में। और एज एन एक्टर उन्होंने भी एक इम्पेक्ट छोड़ दिया था कि हाँ ओके। एंड उसके बाद अगली आई तो अगली अगेन, सो सी जब ऐसी फिल्म्स आती है और ऐसा काम आपको देखने को मिलता है तो आपको मज़ा आता है, क्योंकि एज एन एक्टर हमेशा कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा है उस एक्टर से, उस इंसान से। तो उस रौनक सर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। Does that make any difference while shooting for the film and आप एक सीरीज या वेब सीरीज, क्या कुछ इस एक्टर को भी कुछ अडेप्ट करना पड़ता है फिल्म के शूट के दौरान या एक वेब सीरीज के शूट के दौरान? दो द कैनवास इज वेरी बिग बट स्टिल कहीं ना कहीं कुछ इज एज एन एक्टर कुछ आपको लगता है कि कुछ डिफरेंस होता है? आप फिल्म कर चुके हैं, राइट? सी फिल्म एंड वेब सीरीज दोनों बनती सेम ही तरह से है, जैसे फिल्म बनाई जाती है वेब सीरीज़ भी वैसे बनाई जाती है। बट क्या होता है कि फिल्म में आपके पास एक टाइम लिमिट होता है और एक फ्रेम बना होता है कि ये 3 घंटे की ही फिल्म बनेगी या 2.5 घंटे की ही फिल्म बनेगी। वेब शो में क्या होता है कि एज एन एक्टर आपके पास एक्सप्लोर करने का टाइम होता है, आपके पास अपना काम दिखाने का टाइम होता है, क्योंकि वो स्टोरी लंबी चलती जा रही है। अभी अगर हम हॉस्टेजेस देखें तो ये ऑलमोस्ट 5 घंटे की, अगर हम एक फिल्म की तरह इसको देखेंगे तो ये 5 घंटे की फिल्म बनी, तो ऑलमोस्ट 2 फिल्म्स होगी। तो यही बेनिफिट है कि आप अपना काम करते हैं उसमें और ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व होते हैं और अच्छी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। फिल्म में क्या होता है कई बार कई सारी चीज़ें, एंड फिल्म में मैंने अभी ऐसा इतना कोई बड़ा रोल नहीं किया है एंड आई एम होपिंग कि बहुत जल्दी मैं फिल्म में भी ऐसा कुछ काम करूँ। तो वेरी स्मॉल कैमियो, ये जरूर है कि मेरे नाम जो था उसका, मेरे कैरेक्टर का नाम अर्जुन था, तो अर्जुन के बारे में बात फिल्म की स्टार्टिंग से होती है, बट वो एक सीन के लिए आते हैं। देन सोनम कपूर जी के साथ वो सीन है, वो तो क्या होता है जब इतना थोड़ा काम होता है तो आपको कैरेक्टर के ऊपर काम करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं होता है कि हाँ ठीक है क्या करना है। जब सीन्स ही नहीं है तो फिर उसके ऊपर काम भी नहीं हो पाएगा। तो यही है कि वेब शोज़ में अगेन डिपेंड करता है कि आपका रोल पार्ट कितना है, बट हाँ ये है कि जब आप वेब शो करते हो तो आपके पास पूरा एक, जिसको हम बोलते हैं कि वाइट बोर्ड ले लो, आप उसको गोला बनाते हो, उसमें कलर्स भरते हो, ये सब चीज़ें, और रोल छोटा हो बड़ा हो काम आपको उसी वे में करना है। अगेन वीरे दी वेडिंग में भी मैंने पूरा एक
चाहे एक सीन था उसके लिए मैंने पूरा अपना वर्कआउट किया कि क्या करना है, कैसे है ये, कहाँ से है। अच्छा, अर्जुन अगर यूएसए में चला गया था तो वहाँ पे क्या करता था। तो ये सारी चीज़ें होती है थोड़ी बहुत, जो कि सिमिलर ही हैं एज फिल्म्स में और वेब सीरीज में। बट बीइंग ए बडिंग एक्टर, सो डू यू फील डिजिटल प्लेटफॉर्म इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दोज एक्टर जो एक करियर ओरिएंटेड एक्टिंग करना चाहते हैं या एक प्रॉपर एक एक्टर के तौर पर एस्टेब्लिश होना चाहते हैं? इवन नाउ अ डेज इज बिकमिंग गुड फॉर द एक्टर एज डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज कम अप। या एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो आज की डेट में बूम पे है। मतलब ऑलमोस्ट कई सारी चीज़ों को उसने कवर कर लिया है स्टोरीज वाइज, एंड ऑडियंस स्मार्ट है आज की डेट में। जो अगर हम आज की जनरेशन देखें तो उनको पता है कि अभी वो आइटम सॉन्ग्स और ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। दे नीड सम काइंड ऑफ स्टोरी, दे नीड सम काइंड ऑफ स्पार्क कि वो मिलता है। वाई वी लाइक नार्कोस, वाई वी लाइक स्कार फेस, तो क्योंकि उधर स्टोरी है, उधर कैरेक्टर्स हैं, उधर कोई ऐसा हीरो नहीं है एंड कोई बॉडी शो नहीं दिखाता है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं। तो एंड सॉरी मैं मिस कर गया आपका क्वेश्चन, आप फिर से रिपीट करेंगे तो या आई ऑन टू कैन। दैट कि कितना स्कोप रहता है हाँ, फॉर एक्टर्स फॉर एक्टिंग एक्टर्स, तो सॉरी एक्टर्स, गुड राइट, प्लेटफॉर्म फॉर द इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्टर्स, लाइक डायरेक्टर्स, राइटर्स, एवरीबडी। मेरे हिसाब से सबके लिए बहुत अच्छा स्कोप है ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, नए एक्टर्स के लिए। इवन आई हर्ड कि काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज लोग भी अब वेब शोज़ कर रहे हैं। अक्षय कुमार सर, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ हिम एंड उनके काम का, उनके लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा, मतलब अगेन उनका भी एक इम्पैक्ट है मेरी लाइफ में। मैं भी कोशिश करता हूँ कि उनकी तरह रह सकूँ। तो वो सब अगर एक काम कर सकते हैं तो हमारे लिए तो ऑब्वियसली एक बेनिफिट है, एडवांटेज है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म इंडिया में अच्छा काम कर रहा है। any of your wishes in among the web series ki you would love to be part of that? या आई रियली वॉन्ट टू डू फिल्म्स नाउ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं फिल्म्स के लिए थोड़ा, जैसे होता है ना कि prepare हाँ प्रिपेयर्ड हो, एंड कच्चा आम था वो पक गया है तो अभी अब खाएंगे तो मज़ा आएगा। तो आई थिंक कि मैं प्रिपेयर हूँ फिल्म्स के लिए एंड आई रियली वॉन्ट वर्क फॉर। so any genre you want to explore more into as थ्रिलर a thriller थ्रिलर and what you usually likes to see in among the thriller or suspense or action आई लाइक एक्शन, आई लाइक थ्रिलर एंड सस्पेंस ऑब्वियसली, लाइक ये सब एक ही जॉनरा में आते हैं। आई डोंट, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आई डोंट लाइक रोमांटिक फिल्म्स, बट आई डू लाइक रोमांटिक फिल्म्स, बट ओनली इफ वो इम्तियाज़ अली सर के ने डायरेक्ट की होंगी तभी, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से वो दिखाते हैं। जो रोमांस है वो आज की डेट का रोमांस है, वो वैसा वाला रोमांस नहीं है जो कि बाकी सब दिखाते हैं। Because somewhere down you love to roam around the trees and saying Not really, not my kind of job. but still somewhere down you love या long आई वुड लव टू, वो भी एक एक्सपीरियंस होगा। तो उसकी जब बैक स्टोरी लिखी जाएगी तो आई रियली वॉन्ट टू नो कि उसकी बैक स्टोरी किस तरह से मैं लिखूंगा, कि पेड़ के आसपास घूमना है एंड देन ये सब चीज़ें करना। एंड काम काम है तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वर्क राइट नाउ। lastly come back to work again. यस, What will be the next we gonna see after our series? सो आई जस्ट रैप वन शो फॉर अप्लॉज एंटरटेनमेंट अगेन, एंड इट्स अ कॉन्फिडेंशियल राइट नाउ, आई कैन नॉट से द नेम, बट देन अगेन इट्स बेस्ड ऑन अ गैंगस्टर स्टोरी एंड वो मनाली के ऊपर, मनाली की एक स्टोरी बताई गई है और उसमें मैं मेन रोल कर रहा हूँ एज ए लीड। प्रोटैगनिस्ट भी हूँ, एंटागनिस्ट भी हूँ। यू विल सी मी डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, एक्शन, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स, सो जस्ट गेट प्रिपेयर्ड। और एनी रोल या ड्रीम रोल वी कैन से फॉर एक्टर, एनी ड्रीम रोल ऑफ योर्स यू वांट परस्यू टू पोर्ट्रे ऑन बिग स्क्रीन यू कैन से? आई रियली वॉन्ट टू डू जो रणबीर कपूर ने रॉकस्टार में किया है। आई फील कि वो एक फीलिंग है मेरे में, क्योंकि जब आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हो तो थोड़ा अलग एक, मतलब आपकी अपब्रिंगिंग अलग होती है। तो या आई हैव समथिंग जो मैं दिखाना चाहूँगा वैसा भी, अगेन डायरेक्टेड बाय इम्तियाज़ अली सर, तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम। थैंक यू सो मच जूलिया, आई एम विशिंग ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Great to see you again. You're So welcome. Thank big screen you. and